जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वेस्टी कंपोजर खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जीवाणु कल्चर का प्रयोग सभी किसान आसानी से कर सकते हैं, चाहे वह जैविक खेती करते हों या चाहे रासायनिक खेती करते हों। वेस्टी कंपोजर के जीवाणु घोल को हम कई तरीकों से अपनाकर खेती में प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खेती केंद्र के डॉक्टर जगत सिंह जी द्वारा एक ऐसा तरीका बताया गया है, इस घोल से आपकी फसलों पर काफ़ी अच्छा असर आता है, अच्छी ग्रोथ होती है और ये सभी फसलों पर काम भी करता है। दोस्तों, ये जानकारी हर किसान के पास अगर हो तो किसान भाई इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसी आशय के साथ आज हम इस जानकारी के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, अभी तक आपने वेस्टी कंपोजर के कई फार्मूले जाने होंगे। आज हम जानेंगे फार्मूला नंबर 20, यानी कि फायदेमंद तरल खाद, यानी कि उपलों से बनाया गया एक तरल खाद। ये तरल खाद के लिए आपको सामग्री की क्या ज़रूरत होगी, कैसे इसको तैयार करना है, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसको कैसे उपयोग करना है, तो जानते हैं एक एक करके हम। तो सबसे पहले जानते हैं सामग्री। सामग्री में हमें वेस्टी कंपोजर के घोल का लगभग 200 लीटर चाहिए और पुराने उपले 8 से 10 किलोग्राम चाहिए होता है। उपले एक वर्ष पुराने हों और जितना ही पुराने होंगे उतना ही अच्छा काम करेगा। इसको बनाने का तरीका क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप वेस्टी कंपोजर का घोल तैयार कर लें। अगर है तो आप एक बड़ी ड्रम में 200 लीटर वेस्टी कंपोजर का घोल ले लें और उसमें पुराने यानी कि जितने भी पुराने आपके उपले हैं 8 से 10 किलो, उन्हें आप एक जूट के बोरे में भर दें और फिर उस बोरे को उस ड्रम में ड्रिप कर दें, यानी कि उसमें डाल दें। इससे क्या होगा, उपलों का जो घोल है आपके वेस्टी कंपोजर के घोल में धीरे धीरे आ जाएगा। इस प्रकार आप जो उपलों का बोरा वेस्टी कंपोजर में डाला है उसे एक सप्ताह तक उसके अंदर रहने दें। एक सप्ताह बाद यह तरल खाद आपका तैयार हो जाएगा और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना आसान है उपलों से तरल खाद तैयार करना। दोस्तों, इससे फ़ायदे क्या हैं? वेस्टी कंपोजर और उपलों से तैयार घोल का सभी फसलों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन खासकर फलों और सब्जियों में अगर इसका प्रयोग किया जाए तो हमारी फसलों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आता है, फल फूल बहुत अच्छे होते हैं और दूसरी बात कि एक केमिकल नहीं होता है तो हमारे फल और सब्जियाँ जो होती हैं स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और बिना केमिकल के होती हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरे, इस घोल के प्रयोग से आपको खर्च भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा ही बनाते वक्त कि इसमें कोई खर्चा तो लगता नहीं है। पुराने उपले और वेस्टी कंपोजर का घोल, दोनों में किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। जबकि बाज़ार से अगर आप इस प्रकार के प्रोडक्ट को लाएँगे तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है और उससे क्या होता है, आपकी लागत भी बढ़ जाती है। दोस्तों, इसको कैसे प्रयोग करना है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रयोग करना नहीं आएगा तो कैसे होगा। फिर फसलों पे या फलों या सब्जियों में आप 10 से 20% तक जो है आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि जो आपने घोल तैयार किया है उपलों का उसका 20% आप पानी में मिलाकर फसलों पर स्प्रे करें। जैसे कि आपने 100 लीटर अगर आपने पानी लिया है तो उसमें 10 से 20 लीटर तक आप इसमें इस घोल को मिला दें और फसलों पर स्प्रे कर दें। इसे एक सप्ताह या 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहें, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है दोस्तों और फसलों का फुटाव मतलब फसलों का ग्रोथ ज़बरदस्त होता है दोस्तों। तो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, ये नुकसानदायक नहीं होता है और जब चाहें जितना चाहें उतना इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि इसका प्रयोग करना भी बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। दोस्तों, आपने जाना वेस्टी कंपोजर के फार्मूले नंबर 20, यानी कि फायदेमंद तरल खाद के बारे में, वो भी बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता और घर के आसपास में रहने वाली वस्तुओं से ही बनता है। इसके पहले भी आपने वेस्टी कंपोजर कई फार्मूले जाने होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। वो भी आपकी खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद फार्मूले हैं, आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य मिलेगा। आगे भी हम जानेंगे एक नए फार्मूले के बारे में जो होगा आपकी खेती के लिए बहुत ही लाभकारी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, आप लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।